प्रेस दरा और आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया, हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। हम लोग हर एक क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, हम सुरक्षित हैं, लेकिन मणिपुर का जो हाल है वो किसी से भी छिपा नहीं है। पूरा विश्व जानता है कि वो लोग कैसी स्थिति में, कैसी परिस्थिति में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। बहुत से लोग मर गए, घायल हो गए, बेघर हो गए, दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उनका कोई सहायक नहीं है। आज तीसरा दिन है, आज हम प्रार्थना करेंगे मणिपुर के अपने भाई बहनों के लिए कि परमेश्वर उनकी सुधि ले और उनके जीवन में अद्भुत काम करें। तो बने रहिएगा मेरे साथ, प्रार्थना में जाएंगे आज हम, और तीसरा दिन है आज हमारा प्रार्थना का। तो मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाइए और कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि मैं भी आपके साथ प्रार्थना में शामिल था, मैं भी आपके साथ प्रार्थना में शामिल थी। क्योंकि जब हम सामूहिक प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना जो है बहुत पावरफुल होती है, और उसके ऊपर वो परमेश्वर के सुनहरी वेदी पर पहुंचती है और उसका जवाब परमेश्वर जल्दी देता है। जैसे कि मैंने बीते दिनों भी आपको बताया, पतरस जब जेल खाने में था तो कलीसिया लौ लगाकर उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। तो पूरी प्रार्थना में मेरे साथ रहिएगा और कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि वो कौन सा नबी था जिसने प्रार्थना की और अकाल पड़ गया, फिर प्रार्थना की तो अकाल ख़त्म हो गया। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए प्रार्थना में चलते हैं, मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाइए। अपनी आँखों को बंद कीजिए और गंभीरता से, सच्चाई से, खराई से परमेश्वर के सम्मुख आ जाइए, सरेंडर करके कि परमेश्वर आज हमारी प्रार्थना का जवाब दें। हालेलुया प्रभु, हालेलुया प्रभु, हालेलुया। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए जो तूने दिखाया, और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जिस तरह से अभी तक तूने हमें संभाला है, आगे भी हमारी अगुवाई करना। आज प्रभु जी हम सब तेरे बच्चे प्रभु, जितने भी लोग मेरे साथ इस समय प्रार्थना में जुड़े हुए हैं प्रभु जी, उन सबको भी मैं तेरे सम्मुख लेकर आता हूँ। हम सब एक मन, एक चित्त, एक आत्मा होकर प्रभु जी मणिपुर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु जी वो तेरे बच्चे हैं प्रभु जी, तेरा क्षेत्र है, वो ज़मीन तेरी है, वो लोग तेरे हैं प्रभु जी, और वहाँ की हर एक वस्तु प्रभु तेरे हाथों की बनाई हुई है। लेकिन प्रभु जी बैरी ने सर उठाकर प्रभु तेरे बच्चों के विरुद्ध प्रभु जी जो पांती बांधी है प्रभु, उसे तू नष्ट कर प्रभु। अपने बच्चों की सुधि ले मेरे परमेश्वर, और उनके जीवन में अद्भुत बड़े काम कर। अपने प्रभु जी स्वर्गदूतों की पलटन भेज मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु तेरे बच्चे सुरक्षित हो सकें प्रभु जी, और तेरी महिमा कर सकें। परमपिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी मणिपुर के एक एक स्थान के लिए, एक एक जगह के लिए, एक एक मनुष्य के लिए, स्त्री पुरुष बच्चे बुजुर्ग सबको मैं तेरे सम्मुख लेकर आता हूँ प्रभु, और विनती करता हूँ प्रभु अपने सामर्थ्य हाथों नीचे प्रभु अपने बच्चों को ले ले प्रभु जी, उन्हें अपनी शरण में ले मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु तेरे बच्चे तेरी महिमा करें, तेरे नाम को ऊँचा उठाकर विश्व जान सके कि हाँ अद्भुत रीति से बचाने वाला परमेश्वर तो सिर्फ हमारा परमेश्वर है, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु मैं विनती करता हूँ प्रभु, जो लोग प्रभु जी बेघर हैं प्रभु, उनकी सुधि ले मेरे परमेश्वर, जिनके प्रभु जी अजीज प्रभु जी इस त्रासदी में मर गए हैं प्रभु जी, जिनकी जान चली गई है मेरे परमेश्वर, तो प्रभु जी उनकी भी सुधि ले मेरे परमेश्वर। बहुत से चर्च जला दिए गए, तोड़ दिए गए मेरे प्रभु जी, तो प्रभु जी अपने दास दासियों की भी सुधि ले मेरे परमेश्वर। परमपिता परमेश्वर बहुत से लोग प्रभु जी घायल हैं, उनको प्रभु जी कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा प्रभु, तो प्रभु जी उनके लिए एक अच्छा बंदोबस्त कर प्रभु, संस्थाओं को खड़ा कर प्रभु, ताकि प्रभु तेरे लोगों का अच्छा ट्रीटमेंट हो सके और वो जल्द से जल्द रिकवर कर सके प्रभु। परमपिता परमेश्वर अपने बच्चों की ओर अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ा प्रभु, क्योंकि तेरे हाथ में शिफा है प्रभु, तेरे स्पर्श में शिफा है मेरे परमेश्वर, तेरी उपस्थिति में आज़ादी है मेरे परमेश्वर। तो प्रभु मणिपुर में तू अपने स्वर्गीय सिंहासन को झुकाकर जमीन पर उतर कर आ मेरे प्रभु, ताकि प्रभु जी तेरे बच्चों की चिल्लाहट जो परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, वो प्रभु जी तू सुने, और प्रभु जी उनकी मदद के लिए प्रभु जी अपने लोगों को भेजे, अपने स्वर्गदूतों को भेजे, और प्रभु जी अब खुद उनकी मदद करने के लिए प्रभु तू आए। परमपिता परमेश्वर बहुत से घर हैं ऐसे हैं प्रभु जहाँ पर भोजन पानी नहीं है मेरे परमेश्वर, तो प्रभु जी ऐसी परिस्थिति में प्रभु जब वो भूखे प्यासे हैं प्रभु, ऐसी परिस्थिति में प्रभु तो अपने लोगों को वहाँ भेज, ताकि प्रभु जी वो भोजन पानी की व्यवस्था करें और अपने अपने लोगों की मदद सहायता कर सकें। प्रभु जी बहुत से लोग घरों में या सड़कों पर प्रभु जी या जंगलों में प्रभु जी दर दर भटक रहे हैं प्रभु जी, बीमार पड़े हैं प्रभु जी, उनका कोई सहायक नहीं है प्रभु, तो उनकी ओर देख मेरे परमेश्वर।
प्रभु उनकी ओर दृष्टि कर प्रभु जी। मनुष्य चुप रह सकता है, मनुष्य प्रभु जी नजर फेर सकता है, मनुष्य प्रभु जी इग्नोर कर सकता है प्रभु, लेकिन तू ऐसा नहीं है प्रभु। तू अद्भुत रीति से कार्य करने वाला प्रभु है, तो प्रभु अपने बच्चों के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य कर, ताकि प्रभु जी तेरे बच्चे प्रभु जी एक नया जीवन प्राप्त करें प्रभु, और मणिपुर प्रभु जी एक नया मणिपुर बन जाए, ताकि लोग जान सके कि हाँ इनका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है जो अद्भुत रीति से कार्य करता है। प्रभु जी जो लोग खो गए हैं प्रभु जी, घर वापस नहीं आ पाए हैं प्रभु, उनको प्रभु तू वापस घर लेकर आ प्रभु, ताकि प्रभु जी उन घरों में आनंद मनाया जाए। क्योंकि प्रभु जी बहुत सी दुविधाएं, बहुत से शक, बहुत सी शंकाएं मन में आती हैं कि जब घर में कोई वापस नहीं आता कि क्या हुआ है, कहाँ पर है। तो प्रभु तू अपने बच्चों को सुरक्षित रख और उन्हें घर वापस भेज प्रभु जी। परमपिता परमेश्वर वहाँ के प्रशासन को प्रभु जी, पुलिस तंत्र को भी अपने हाथों में लेकर चला प्रभु, ताकि वो तेरे लोगों की सुधी ले मेरे परमेश्वर, उनकी सुरक्षा के लिए प्रभु जी आगे आए, उनके खान पीने की प्रभु जी व्यवस्था करें प्रभु जी, रहने की व्यवस्था करें, ताकि प्रभु तेरे बच्चों को कोई भी दुख तकलीफ परेशानी चिंता ना होने पाए प्रभु जी। परमपिता परमेश्वर मणिपुर तेरा है प्रभु जी, क्योंकि तूने ही इस सृष्टि की रचना की है प्रभु, तूने ही प्रभु जी इस सृष्टि की रचना करके प्रभु जी मनुष्य को दिया है। मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, मणिपुर में उतर कर प्रभु जी अपनी उपस्थिति को जाहिर कर, ताकि प्रभु जी वहाँ पर तेरा कार्य बड़े ही जोर शोर से हो सके प्रभु, तेरे बच्चे सुरक्षित रहें, आनंदित हों और प्रभु जी तेरे नाम की महिमा करने पाए। एक एक जमीन, एक एक मकान, एक एक पेड़ पौधा, पशु पक्षी, हर एक चीज़ प्रभु जी और रहने वाले मनुष्य वहाँ पर, वो सब तेरे हैं मेरे प्रभु जी। तो जो चीज़ तेरी है प्रभु, तो प्रभु जी ऐसी परिस्थिति में कौन है जो उन्हें छू सके। तूने अपने वचन में खुद ही कहा है प्रभु कि जो कोई तुम्हें छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता है प्रभु। तो तेरी आँख की पुतली को छू दिया गया है मेरे परमेश्वर, तो अपने बच्चों की सुधि ले और उनको इस संकट में से, कलेश में से, दुख में से, परेशानी में से, चिंता में से बाहर निकाल कर ला प्रभु। मैं जानता हूँ प्रभु कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई भी रुक नहीं सकती। तो अपने बच्चों के लिए अच्छी युक्ति कर प्रभु जी, उनके जीवन को बचा, उनकी प्रभु जी हर एक प्रॉपर्टी को बचा मेरे परमेश्वर, चर्चेस को बचा प्रभु जी, ताकि प्रभु जी फिर से एक नया जीवन शुरू हो और प्रभु जी तेरे लोग तेरी महिमा करने वाले बन सके। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया, प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मैं आप सबका भी धन्यवाद देता हूँ कि आप सब मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हुए। इस प्रार्थना को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इस प्रार्थना में हमारे साथ जुड़ें और मणिपुर की भलाई के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करते रहें। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और ट्रूपर्स में आज का सवाल है कि वो कौन सा नबी था जिसने प्रार्थना की और अकाल पड़ गया, फिर उसने प्रार्थना की तो फिर बारिश शुरू हो गई, कौन है वो आप जानते हैं, उसे कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मेरे जो भी चैनल हैं उन्हें सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नई जानकारी आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और ख़ासतौर से मणिपुर के लिए प्रार्थना निरंतर रेगुलर करते रहिए। प्रेज द लॉर्ड।